अभी हम चोरी कर रहा है ना, या तो मोदी की तरफ बोलेगा ना, कांग्रेस की तरफ थोड़ी ना बोलेगा। मान्य से आएंगे भाई, मान्य से आएंगे, नहीं तो मोदी को कोई नहीं करेगा। मोदी फैक्ट्री नहीं चल रही, ये क्या है कि दबंगी चल रही है। दबंगी का मतलब ये कि पैसा, तानाशाही और ईडी और सीबीआई। तो मशीनों को जो गायब करवा रहे हैं या बदलवा रहे हैं, आप वोटिंग करवाइए ना, बैलेट बॉक्स में पेपर से करवाइए ना। लेबर क्लास लोग हैं, परेशान है। आपके 5 किलो अनाज से तो हमारा पूरा नहीं पड़ जाएगा ना। लोगों को घर भी चाहिए, अनाज भी चाहिए लोगों को। कि मोदी जी चाहते हैं जितना पैसा बर्बाद करना है कर दो, जितना कुछ करना है वो कर दो, लेकिन किसी तरीके भी इलेक्शन जितना दंड बेट जो अपनाना है अपनाओ। 5 किलो जो सड़ा हुआ अनाज हमें मिल जाता है ना महीने में, तो उससे रोटी से पूरा नहीं पड़ता, उसके लिए सब्जी तेल मसाले भी चाहिए होते हैं। वो तो पब्लिक हटाएगी, उन्हें पब्लिक ही हटाएगी, जनता हटाएगी, पब्लिक एक होगी, कांग्रेस आएगी। जिंदाबाद। 5 राज्यों के आज चुनाव हुए हैं और इस वक्त हम कांग्रेस ऑफिस मौजूद है, लेकिन जो रुझान आ रहा है वो कांग्रेस के लिए जो एग्जिट पोल आया था उससे बिल्कुल अलग है। देखिए, महिलाएं बहुत सारे समर्थक आई हुई है, इनसे हम बात करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन अभी खबर जो आ रही है बड़ी अच्छी नहीं आ रही है कांग्रेस के लिए। क्या लग रहा है, बदला आएगी? कुछ दिखाई और देता है और होता कुछ और है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस आएगी क्योंकि हमें बदलाव चाहिए, हमें कांग्रेस चाहिए। लेकिन रुझान तो कुछ और दिखा रहा है। रुझान दिखाई कुछ और देता है, लेकिन कहते हैं ना सुबह से शाम तक पता ये चलता है कि कोई और आ रहा है, और पता चलता है रात को कोई और आ रहा है। तो जो लास्ट जो होगा वो हमारा कांग्रेस ही होगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी कह रहा है बनी बनाई सरकार जा रही है। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, सुनने में और आने में फर्क है। अच्छा जी, क्या लग रहा है, जो कल MP में भी ट्वीट किया गया EVM का झोलझाल था, ऐसा कुछ चल रहा है या? ऐसा कुछ नहीं है, झोलझाल जो होगा वो उनकी तरफ से होगा, लेकिन कांग्रेस आएगी। पब्लिक जो है, पब्लिक होता कुछ और है, बताते कुछ और है, होता कुछ और है। अच्छा जी, और 100% 100% कांग्रेस। कितना जोश है, लग रहा है कि 100% पूरा जो है उसको बिल्कुल चाहिए कांग्रेस। मोदी मैजिक कभी भी खत्म ना, ना मोदी का क्रेज कभी तो खत्म होगा, लेकिन ये है कि हमारी पब्लिक जो है बदलाव चाहती है। जान जो दिख रहा है वही आ रहा है या बदलाव हो रहा है? बदलाव होगा और बिल्कुल होगा सर, कांग्रेस ही आएगी जी, मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी भी लग रहा है कि उम्मीद बिल्कुल आएगा। हाँ बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आएगी। अच्छा, मेनस्ट्रीम मीडिया में भी चल रहा है कि 200 लगभग 170-175 मध्य प्रदेश में सीट आ रही है, वो सब ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस ही आएगी। चोरी कर रहा है ना, EVM चोरी कर रहा है ना, या तो मोदी की तरफ बोलेगा ना, कांग्रेस की तरफ थोड़ी ना बोलेगा। मान्य से आएंगे, इसलिए भाई मान्य से आएंगे, नहीं तो मोदी को कोई नहीं करेगा। अच्छा, EVM चोरी हो रही है? हाँ EVM हो रही है, हम तो देख रही है, चोरी हो चुकी है। तो कोई भी जीत सकता है अगर ये चाहे तो। मशीनों को जो गायब करवा रहे हैं या बदलवा रहे हैं, आप वोटिंग करवाइए ना, बैलेट बॉक्स में पेपर से करवाइए ना। पब्लिक ये चाहती है कि बैलेट बॉक्स होना चाहिए, और जैसे पहले इलेक्शन होता था कि मोहर लगा के हम जो करते थे, अब हम साल पहले क्या होता था, यही तो होता था, पर्ची डलती थी। लेकिन अब एडवांस हो गए ना, डिजिटल हो गए, इसलिए जल्दी टाइम, तभी तो बदमाशी हो रही है खुलेआम। पब्लिक जो है भुगत कौन रहा है, आम पब्लिक भुगत रही है, क्योंकि आम जनता जो है वो रोज की लेबर क्लास लोग है, लेबर क्लास लोग है, परेशान है। आपके 5 किलो अनाज से तो हमारा पूरा नहीं पड़ जाएगा ना, लोगों को घर भी चाहिए, अनाज नहीं चाहिए लोगों को। सिलेंडर तुमने 300-400 रुपए का जो सिलेंडर मिलता था, 1100 से 900 तो बेशक कर दिया, उसे 900 रुपए से क्या होगा, 900 रुपए में भी तो 500 रुपए ज्यादा है ना, तो वो तो घर से ही पैसा खर्च होता है। मतलब आपको ये लग रहा है अभी जो हो रहा है सब EVM का खेल है? EVM का खेल है, का खेल है, EVM का खेल है, पेपर से होने चाहिए, समझे ना। हम कैसे कैसे हटाएंगे फिर उसे? वो तो पब्लिक हटाएगी, उन्हें पब्लिक ही हटाएगी, जनता हटाएगी, पब्लिक एक होगी, कांग्रेस आएगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। पेपर से होने चाहिए, पेपर से EVM हटाओ, और हम जनता परेशान है, हमारे पास कोई रुझान नहीं है, हमारा कोई काम नहीं है, हमारे बच्चे वालों के घर में ना तो वोट है और ना ही उनको किसी चीज की जरूरत है, क्योंकि वो खाते हैं नंबर 1 का अनाज और हम लोग खाते हैं यूरिया का अनाज। वो 5 किलो जो सड़ा हुआ अनाज हमें मिल जाता है ना महीने में, तो उससे रोटी से पूरा नहीं पड़ता, उसके लिए सब्जी तेल मसाले भी चाहिए होते हैं। तो सब्जी तेल मसाले, स्कूल की फीस, डॉक्टरी की फीस, और यहाँ तक कि आने जाने का, तो ये सब खर्चा नहीं है क्या? खाली 5 किलो अनाज से पूरा हो जाएगा, गरीब जनता उसमें जीत जाएगी। वो दिल जीतना चाहते हैं 5 किलो अनाज दे के, 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होता। तो शाम तक अभी भी उम्मीद है कि मोदी जी? हमें शाम तक नहीं, हमें अभी से भी उम्मीद है कि सब कुछ चेंज होगा, सुपड़ा साफ होगा उनका, अब शाम तक जनता कुछ बदलेगा। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 4 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, कहां चल रहा था बीजेपी का सुपड़ा साफ, मोदी जी की आंधी किसी को नहीं रोक पा रहा है। आप देखिए,
आंधी रुकी थी जब मोदी जी 2014 का इलेक्शन जीत कर आए थे, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में हम जीते थे, राजस्थान भी जीते थे। मोदी फैक्टर नहीं चल रहा, ये क्या है कि दबंगी चल रही है। दबंगी का मतलब ये कि पैसा, तानाशाही और ईडी और सीबीआई, ये आप लगा दीजिए और किसी तरह के भी जो सा नेता वो छलना चाहे कोशिश करे उसको दबा लिया जाए। हम जीत रहे थे, हमारे को बहुत अच्छे उम्मीद थी कि हम बहुत भारी मतों से जीत कराएंगे, लेकिन हम इसको भी हार नहीं मानते। जनता का तो ईडी का डर नहीं है ना, जनता तो वोट दे रही है ना उन्हें। देखिए जनता जा रही है, जनता ने विश्वास पर वोट दिया, गरीबों ने विश्वास पर दिया, ये पार्टी गरीबों की पार्टी है। लेकिन आज क्या चल रहा है कि मोदी जी चाहते हैं जितना पैसा बर्बाद करना है कर दो, जितना कुछ करना है वो कर दो, लेकिन किसी तरीके भी इलेक्शन जितना दंड बेड जो अपनाना है अपनाओ। कांग्रेस पे पैसा नहीं है। देखिए कांग्रेस गरीबों की पार्टी थी, गरीबों के साथ रहती है, गरीबों के साथ लड़ी है। आरोप तो इतना है कि इतने बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं। घोटाले तो उनके यहाँ भी हुए हैं, कोई आग्रह हुए? आप बताइए, अजीत पवार को कहते थे अपनी गोदी में लेकर आ मोदी जी बैठे हुए, क्या उसको कब जेल भेजेंगे मोदी जी? मानते हैं मोदी जी की हवा चली है अभी भी? कोई हवा नहीं चली, अगर हवा आंधी है अभी कोई हवा नहीं चली है। हवा उसको कहते कि हमारे को वोट परसेंट कम मिलता, वोट परसेंट बहुत अच्छा मिला है, ये 10-20 सीटों का फर्क जो रहा है छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, अभी वोटिंग चल रही है, अभी तो गिनती चल रही है, अभी क्या रुझान आने वाला है शाम तक आप ये देखिए, उसके बाद क्या रणनीति। अभी भी आस है, अभी भी आस में बैठे हैं हम, ऐसी बात नहीं है। जनता ने हमारे पे विश्वास करा, जनता ने हमारे को वोट दिया, हम जनता के आधार पर। कहीं नेतृत्व जो बड़ा शीर्ष नेतृत्व है उसकी कमी नहीं रहेगी? राहुल गांधी तेलंगाना में रहे, साउथ में रहे, प्रियंका गांधी रही, वहां आप जीत जाते हो, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आप लोग मेहनत नहीं कर रहे थे, क्या ये रीजन नहीं रहा? नहीं नहीं, राहुल गांधी जी सब जगह गए, सब जगह उन्होंने प्रचार नहीं, मेहनत नहीं करी प्रचार। देखिए हमारे को विश्वास था, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी लगे हुए थे और टीम लगी पड़ी थी वहां पर, सारे मेहनत कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या जादू चला ये हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन उसकी सब छानबीन होगी, कोई कहां हमारी कमी पेशी रह गई है, और लेकिन अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी शाम आते आते बहुत रुझान ऊपर नीचे होने वाले हैं। हम इतने घबराहट में नहीं है, क्योंकि हम उसको हार मानते हैं कि वोट परसेंट कम होता है, 30-40-15 सीटों का जो अंतर है, अभी बहुत रुझान सामने आने वाला है। जब तक आंदोलन नहीं होगा, ईवीएम को जब तक ध्वस्त नहीं किया जाएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी को परस्त करना बस की बात नहीं। ईवीएम में आप देख लो कि मध्य प्रदेश में पेटी कब खुलनी चाहिए उससे पहले ही खुल गई, ईवीएम कई जगह पकड़ा भी गया, और ईडी सीबीआई इनकी घूस लेती, मतलब साफ है कि इनका जो भ्रष्टाचार है वो साफ तौर पर देश में पसर रहा है, और इस भ्रष्टाचार की कथरी को बटोरने के लिए कांग्रेस पार्टी को ईवीएम के प्रति एक आंदोलन निकला। पनौती तो मोदी जी है, कैसे निकले? 5 में से 4 राज्य जीते, अरे राख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर आएगा, काहे परेशान हो भैया, शाम तक सबर करो, सबर कर लो, काहे नहीं, मैं क्या करूँ, सबर कर लो भाई, काहे परेशान हो आप। अच्छा। उससे पहले ही कह दो कि 4 राज्य जीत गए, 5 राज्य जीत गए, तो आप जबरदस्ती आप अपनी जुबान हमारे मुंह में डाल रहे हो, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त रुझान पे आप विश्वास करते हैं? एनडीटीवी किसका है, आज तक किसका है, सब उन्हीं का, उन्हीं लोगों का है। कर्नाटक का भी रुझान दिया था, यही रुझान दिया था कि कांग्रेस जीत रही है। देखिए जो एग्जिट पोल आया था पहले वो तो दिखा रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन खेला क्या हुआ, रुझान अब दिखा रहा है कि बीजेपी जीत रही है, और वास्तविक हकीकत क्या है उस शाम को पता चल जाएगा कि कांग्रेस जीत रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है। लेकिन आज तक का वीडियो कौन सा वायरल हुआ था, पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है। आज तक का कौन सा वीडियो वायरल हुआ था? हाँ, उन्होंने उसमें क्या था, उसमें क्या था आपको नहीं मालूम है? तो आप ये नंबर आए तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो केस पार्टी का नाम थोड़ी लिया था। नहीं, एक चीज बताइए कि आप एक पहले ही बुमराह कर रहे हो लोगों को कि ये नंबर दे देंगे, और आपको मालूम है उनकी हकीकत कि ईवीएम में घोटाला कर लेंगे, हर जगह घोटाला कर लेंगे, पेटी की सील पहले ही तोड़ देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की आदत शुरू से ही चली आ रही है। ये तो आपकी बात में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, आप कह रहे शाम तक रुकिए, फिर कह रहे ईवीएम में गड़बड़ होगी। ईवीएम में भाई 100% गड़बड़ होगी, तो शाम तक चेंज नहीं होगा? शाम तक चेंज उन्हीं का आएगा ना भाई, देखो जब ईवीएम में उन्होंने पहले ही कर दिया है तोड़ फोड़, पेटी खुली थी पहले कि नहीं मिश्रा? आपने हार मान ली ना? नहीं, हमने हार नहीं मानी, हम लोग देखिए एक चीज, हार वो मानते हैं जो सवारकर की औलाद होते हैं। अच्छा। और गांधी के वंशज कभी हार नहीं मानते हैं, ये चीज नोट कर लीजिएगा। लेकिन बात तो ये ना, अगर आप ईवीएम पे आरोप लगा रहे हो तो फिर शाम तक भरोसा क्या करना, फिर तो वही रिजल्ट नहीं, जो नतीजे मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ भी नतीजा है हम लोग उसे स्वीकार करेंगे, और चुनाव में ईवीएम महाबेमानी वाला काम करता है, ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करो। और सुनिए, शाम तक जो नतीजे आएंगे हम उस पर, जब तक चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाएगा। नहीं, जनता का दिल जीत रही है, हमने कर्नाटक में दिल जीता, हिमाचल में दिल जीता, नहीं ईवीएम थी लेकिन वहाँ पे उनका खेला नहीं चल पाया ना, वहाँ पे जो उनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति है वो रोटी नहीं सेक पाए ना। और जब सुनिए सर, जब तक
हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं सेक रहे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फलाना करेंगे, ढिमका मत इनकी हर हर राज्य में, वहाँ पनौती नहीं पहुँचा था साहब। जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं और उनकी पूरी भाजपा मंडल, वहाँ पे हिंदू मुसलमान का ही एजेंडा चलता है। वास्तविक मुद्दों पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दम होता तो कहते कि अगर मैंने 2 करोड़ रोजगार दिया है तो ही मुझे वोट दो, ऐसा कुछ भी उनका नहीं होता है। और कांग्रेस पार्टी में सुनिए सर, कांग्रेस पार्टी जो है वो कहती है कि अगर हमने काम किया है तो मुझे वोट दो। मैं राजस्थान, सुनिए सर, नहीं आपको बोलना है आप बोल लीजिए, हम मानते हैं आपको बोलने का बहुत शौक है, आप सुधीर चौधरी बनेंगे आगे चल के, आप बोलते रहिए। देख कांग्रेस पार्टी में राजस्थान घूम के आया हूँ, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे लोगों से कह भी रहते कि भाई चिरंजीवी योजना काम कर रही है कि नहीं काम कर रही, काम कर रही है बताइए, कि गोधन योजना काम कर रही है, वहाँ पे एक एक योजनाओं पे चुनाव हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव हिंदू और मुसलमान पर चुनाव लड़ती है। राजस्थान में आपसी लड़ाई में अभी नहीं आ रहे? नहीं आपसी पायलट के खेमे के सारे नेता हार रहे हैं, गुर्जर समाज वोट नहीं दे रहा, टिकट ऐसे लोगों को दिया गया जहाँ से जीतने की। मैं क्या कह रहा हूँ कि शाम तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई साफ दिख रही है। देखिए घर का भेदी लंका डाढ़न, और भेद जहाँ भी हो जाता है, चाहे राजनीति में हो या घर में हो, तो वहाँ दिक्कतें आती हैं, तो वो तो साफ है। अरे राहुल गांधी जो है पप्पू साबित हुए, पनौती बोल रहे थे मोदी जी को, लेकिन राहुल गांधी, देखो दुनिया को पता है कि पनौती कौन है, दुनिया को पता है, आज बच्चा बच्चा जान रहा है कि पनौती प्रधानमंत्री मोदी जी है। और आपने पप्पू की बात की, तो पप्पू भाई बच्चे का नाम हो सकता है, आपके भी गाँव में, आपके समाज में किसी का भी नाम पप्पू हो सकता है, लेकिन पनौती ना आपके गांव में किसी का नाम होगा ना आपके समाज में किसी का नाम। आप इतना शांति कैसे हो गए, मतलब बड़े अग्रेसिव होते थे मोदी जी के लिए? नहीं मोदी जी के लिए मैं आज भी बोल, नहीं आवाज मेरी आज भी निकल रही, देखिए नहीं हम हार नहीं माने, हम डरने वाले नहीं है, डरता वो है जो आरएसएस के तलवे चाटने का काम करता है। हम लोग आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने वाले लोग नहीं है, हम आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी को 24 में धूल नहीं चटा देंगे तब तक नहीं। क्या ये तो रुझान है भाई, पिक्चर और टेलर में बहुत फर्क होता है। घमंड घमंड ने नहीं हराया, अखिलेश वखिलेश कौन होते हैं, कौन अखिलेश, एक इतना बड़ा राष्ट्रीय नेता मुख्यमंत्री रह चुका है, कमलनाथ कह रहे हैं अखिलेश वखिलेश। देखिए घमंड से तीन गए, बल बुद्धि और वंश, उदाहरण के देख लियो रावण कौरव कंस, कमलनाथ भी आते ना उसमें। मैं भाई आप जबरदस्ती कमलनाथ का नाम डाल दे, मैं कमलनाथ तो कह रहा हूँ, तो कह रहे थे अखिलेश अखिलेश मुख्यमंत्री, वो क्या कह रहे हैं ये मायने नहीं रखता, हम क्या कह रहे हैं ये मायने, आप इस पे ध्यान दीजिए ना भाई। नहीं जनता सब जानती है, और जनता किसके प्रति कितना प्यार करती है वो 24 में पता लग जाएगा, तब तक आप रिजल्ट आने दीजिए। भाजपा वाले सेमीफाइनल तो हार गए, 5 राज्यों का 4 तो हार ही गए। एक चीज बताइए कि एक चुनाव हार जाने से हम लोग हार मान के बैठ जाएं, और चुनाव का मतलब ही क्या होता है? पहला नहीं चुनाव होता है भाई हारने के लिए, जीतने के लिए, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे। कल तक राजस्थान में हम जीतते थे और मध्य प्रदेश में भी हम ही जीते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने तोड़। नहीं देखिए यहाँ पे रुझान जो भाई देखो, अगर 50% हम जीत रहे हैं तो हम 24 में 100% जीतेंगे। चार इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में देखिए वो पार्टी तय करेगी, वो पार्टी तय करेगी, और जरूरत पड़ी तो जरूर पार्टी गठबंधन उनसे करेगी। लेकिन एमपी में समाजवादी से भी आपने सीट नहीं दिया। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो यादव समाज के लोग होते हैं ना, मैं आपको उसमें बता दूं कि यादव उंगली से गोवर्धन रुके, रुके इंद्र के नीर, और उसका कोई क्या बिगाड़े जिसका मित्र अहिर। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी बगावत करेंगे, अगर वहां पे भी जरूरत पड़ी तो गठबंधन से साथ करके और भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त करने का काम करेंगे। जब सीटें देने का था वक्त, तब तो आपने दिया नहीं, आपने बोल दिया खत्म है। हमने बोल दिया खत्म है, तो कांग्रेस से पूछे ना सवाल, ये हमसे क्यों पूछा। एग्जिट पोल आया था उसका बिल्कुल सर अपोजिट देखने को मिल रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है मोदी जी की आंधी फिर से चल चुकी है सुपड़ा साहब, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ भी हाथ से जा रहा है। देखिए मोदी जी में दम नहीं है, अगर उनमें दम है तो ये हटा दे चुनाव लड़ ले, मैं अपना सर कटवा दूंगा मोदी जीत जाए तो। हालात समझो, हालात देश बर्बाद है, रुपया गिर रहा है और फिर भी मोदी जीत रहा है, इतने भी अंधे लोग नहीं है भारत के। ये ईवीएम हटाओगे जब ही जीत पाओगे, वरना मोदी को ही जब तक जिंदा प्रधानमंत्री बना दो। क्यों लोकतंत्र का मजाक बना रहे हो, क्यों हत्या कर रहे हो, सही मायने में ईवीएम का खेल है। मोदी जी ने जो आंकड़े दिए थे मीडिया वालों को, वही तो साबित हो गए, पूरा देश झूठा था, पूरा देश झूठ बोल रहा था, सारी मीडिया कह रही थी, सारे लोग कह रहे थे, सारे अफसर कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, और टीवी में कांग्रेस है नहीं, वहाँ कांग्रेस है जहाँ मोदी नहीं है। तेलंगाना में मोदी ने तो उसने दे दिया एक स्टेट और बाकी सारे खागा। तो अगर ईवीएम होती तो तेलंगाना कैसे जीत जाता? अरे भाई मोदी कुछ तो हमें देगा, सारे ही थोड़ी ले लेगा,
वो दिमाग से खेलता है। अगर तेलंगाना भी ले लेता तो जनता लठ लेकर रोड पे उतर जाती। ये कहने के लिए जैसे आपने आप भाई ने कहा कि मैं तो आपको तेलंगाना दे दिया, कहने की समझो देश जा कह रहा है, क्या देश के हालात ठीक है, क्या देश में राम राज है, क्या हिंदू मुसलमान भारतीय लोग सुख शांति से रह रहे हैं, हर आदमी तड़प रहा बच्चे पालने के लिए और फिर भी मोदी जीत रहा है। तो भाई जब तक जिंदा इसी को जिता दो, लोकतंत्र का मजाक मत बनाओ। तो फिर क्या करेंगे सर, अगर आपको लग रही करेंगे तो चुनाव क्यों, विपक्ष का नेता सारे फेल है, मैं कहूँ सारे बैठ जाए धरने पर, चुनाव हम चुनाव ही नहीं लेंगे जब तक बैलेट पेपर नहीं आएगा। तो देखिए मोदी के ढूंढा भी मिल जाए तो मतलब चुनाव ही चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा, या तो बैलेट पेपर से, मोदी ने भी कहा था यूं में गड़बड़ होती है, सबसे पहले विरोध मोदी ने करा था, लोग अब समझ नहीं रहे हैं भाई, ये तो जो परिणाम है मोदी के दिए हुए हैं और वही चल रहे हैं। लेकिन कह रहा लाडली बहना योजना हिट हुई है, लाडली पाडली सब उसने करना तो कर दे, कोई हिट नहीं हुई है। अरे लोगों की जान निकाली, बूढ़ी माँ के पैसे पर्स से निकाले हैं, भीख मांग रहे हैं लोग, लाडली योजना की बात कर रहे हैं, कौन सी लाडली योजना, सिलेंडर का था आधा कर देंगे, डीजल पेट्रोल का था आधा कर देंगे, महंगाई का था आधा कर देंगे, किसान खुशहाल कर देंगे, बताइए कौन सा वादा करा। पर जय श्री राम जय श्री राम, राम तो हमारे साथ थे, उनको भी धोखा दे दिया बीजेपी ने। कहना कि देश को सोचना पड़ेगा, नेताओं को सोचना पड़ेगा, चुनाव का बहिष्कार करो, यही एक रास्ता है, अन्यथा कुछ नहीं है। लेकिन जो एक और सवाल है, जो गठबंधन था अखिलेश यादव वहां गए थे, उसका भी नाराजगी, कुछ नहीं करेगा भाई, उसकी नाराजगी भी कुछ नहीं करा, मशीन के सामने कोई जीत पाया क्या? 100 मजदूर खड़ी कर दो, एक जेसीबी खड़ी कर दो, आप भी बताओ कौन जीतेगा, 200 मशीनों को भी फेंक देगी जेसीबी, मशीन में ताकत है, इस मशीन को बदलना पड़ेगा, मोदी के दिमाग को बदलना पड़ेगा। आंदोलन होना चाहिए क्या, जैसे किसान आंदोलन हुआ था बड़ा? तो चुनावी देश में नहीं होना चाहिए, बाहर बैठ जाओ, या तो मोदी को जब तक जिंदा दे दो प्रधानमंत्री शिप, वो तो चाहता है, मतलब डिक्टेटरशिप चल रही है, वही चल रही है, वो भी यही चाहता है। कहां बताओ एक आदमी देश का खुशहाल बताओ कौन है, सिवा मोदी के दोस्तों के और सिवा बीजेपी के, बताओ कौन खुशहाल, आप अपने आप को देख लो, आप गोदी मीडिया, आप तो गोदी मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया मजे ले रही है, पैकेज ले रही है बड़े बड़े और गुणगान गा रही है। एग्जिट पोल में तो वो भी जीत दिखा रहे थे आप लोग। भाई कह ही तो रहा हूँ, पूरा देश तो कह रहा था कांग्रेस जीत रही है, जमीन पर कांग्रेस जीत रही है और टीवी में मोदी जीत रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ट्विटर से एक वीडियो ट्वीट की गई थी जिसमें एक आ गया था ईवीएम की पेटी की सील खुली हुई है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि कांग्रेस की भी कमी है कि बूथ पे सही से सिक्योरिटी नहीं कर पा रहा? तो कह रहा हूँ सारे विपक्ष की कमी है, एक चोर से नहीं लड़ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चुनाव का बहिष्कार करो, यही इलाज है चुनाव का बहिष्कार करो, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो हम लड़ेंगे, नहीं मोदी जिंदा। कितना सड़कों पे आएंगे? हाँ जी, जैसे श्रीलंका में हुआ था, ये तो हालात बन जाएंगे, अगले 5 साल मोदी को और दे दो, श्रीलंका से बस से बदतर हालात बन जाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, चोरी डकैती बढ़ गई है, कार खड़ी करो तो शीशे तोड़ लेते हैं, टायर निकाल लेते हैं, सिलेंडर चोरी कर लेते हैं, हर चोरों की तादाद ज्यादा बढ़ गई है, लोग भूखे मरे, बच्चे तो पालेंगे। सवाल है सर, ये क्या समझ लिया जाए फिर 24 में मोदी ही आ रहे हैं फिर? तो आज का रिजल्ट तो ये कह रहा है, वो सही कह रहा है, जब तक ये युवा मशीन है मोदी आएंगे, कोई इंडिया पर इंडिया कुछ करने वाली नहीं है। अपने नेता राहुल गांधी से कहता हूँ, आप हिम्मत दिखाओ, संघर्ष करो, सरदार भगत सिंह को याद करो, ये उसका बनाया देश है, इन चोरों का नहीं है, सावरकर की औलाद है, इनको बाहर भेजना जरूरी है, देश लूट रहे हैं, चुनाव का बहिष्कार करो, एक ही काम है बस।